पाम फिर दोनों उस तरफ चौक ढीले हो जाए। अच्छा ड्राइवर बाहर लेकर जाए, ये बार बार बोलना पड़ता है भाई। वीडियो पर वीडियो आते हैं, 2 सेकंड के अंदर कमेंट आते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करने के बाद कमेंट किया करो, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, ना अच्छी लगे तो मत करो। आज एरोबिक्स से शुरुआत हो रही है, पर दो लाइन ने उससे पहले डर लगा मुझे। मेरा फासला देखकर आगे बढ़ता गया, रास्ता देखकर मंजिल खुद मेरे नज़दीक आ गई, मेरा हौसला देखकर। थैंक यू। सुबह की शुरुआत आज एरोबिक्स से की है, कई दिन हो गए थे करे हुए। ठंड में मेरे को हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट, कंधे की तो फ्रीज होता है जैसे कंधा, तो एरोबिक्स से नहीं होते, तो करती हूँ मैं वीक में 10 दिन में। अब की बार हो गए 10-15 दिन, असल में बिजी ही इतने हो गए ना, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो गए ना? बढ़िया है, सब खुश रहना और मस्त रहना। स्वागत है आपके अपने व्लॉग के एक और नए व्लॉग में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, एक्सरसाइज कर ली थी, दूध मेरे ही लगा दी, आ ही गया, मक्खन निकल गया है, बस अब इसको बंद करने वाली थी, आया हुआ है। तो और काम चले हुए हैं साथ साथ, तो बाद में मिलते हैं फिर। आज ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ, बस मैंने खाना था और बेटे ने खाना था, साथ के साथ एक जने का फिर गाजर का जूस है। गाजर के जूस में वही चीज़ें हैं, गाजर है, चुकंदर है, आंवला, आंवला ज़रूर मिलाती हूँ। आंवला वैसे नहीं खाते बच्चे, तो जूस में मिला देती हूँ 1-1.5 आंवला ना, बड़ा हो तो 1 मिनट हो गई। सारा ब्रेकफास्ट और सब कुछ बना दिया। आज सुबह सुबह अनीता ने पूरा बम, 8 बजे मैं नहीं आऊँगी तो आज करना, मैंने झाड़ू पोछा कपड़े धो के लाई हूँ, ये रखे हैं, तसला पहले सुखा के आऊँगी इसने और फिर झाड़ू पोछा करूँगी, क्यों मैं अपना आराम से लग रही थी। उसको मैंने बोलिया हुआ भी है जिस दिन नहीं आना तो शाम को बता दिया करता कि मैं अपना काम निपटाऊँ। तो सुबह 8 बजे फ़ोन आया जब मैं अपने हिसाब से काम लग रही थी जो मैंने करने हुए हैं, तो अब मेरा झाड़ू पोछा रह रहा है, सारा बाहर से स्टार्ट करूँगी, बाहर को और अंदर को, तो बाद में मिलूँगी आज, क्यों आज काम ज़्यादा हो रहे हैं, ऊपर से लगना है। ठंड कम कभी पहले ही चढ़ रही है मेरे, ठंड में हाथ कांपने लग रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप सी दिख रही है, तो पहले कपड़े सुखाए क्योंकि कपड़ा मैं भी लेट हो रही हूँ, 10:30 हो गए पहले कपड़े। आज मेरा मिशन झाड़ू पोछा चला हुआ है, पर यह है 10-15 दिन में एक दिन छुट्टी मार लेना ठीक भी होता है, सारी कूण कांड साफ हो जाती हैं, वो इतना साफ नहीं करती। आज झाड़ू निकालते हुए इतनी रुई ही निकली है सारे को, चाहे टेबल के नीचे हो चाहे कपबोर्ड हो, फिर कहती भी रहूँगी, बोलती भी रहूँगी, यहाँ से नहीं करा, यहाँ से नहीं करा, तो फिर भी। और कल वीडियो देखेगी तो यूँ कहेगी आप तो ऐसे बोल रहे थे उसको पता लग गया मैं वीडियो बना रही हूँ तो कल ही बोल देगी मेरे को। पोछा पहले बाहर से लगाना स्टार्ट करा था, फिर मैंने घी गर्म किया था तो घी लगी थी, मैं उसमें से उठा के ना, यह जम जाता है ऐसे ऐसे उठा के फिर उसको गर्म कर दे। झाड़ू पोछा सारा हो गया था, घी रख दिया है गर्म करना, और झाड़ू पोछा कर रही थी जब आज एक काम और कराया है बाहर पौधा का, क्यों 12 बज गया, झाड़ू पोछा मैं नहीं करना था, तो मैं चलो मिट्टी गिरेगी तो देख लूँ एक बार बाहर से और देखा। ये चीज़ करी, 2 गमले छत पे से उतरवा के पाम, एक पाम इधर करा, एक वो उधर करा, यहाँ रखा लगवा के, क्यों माटी गिरेगी तो मैं सुबह सुबह गिर लेगी फिर पोछा लगाने के बाद नहीं, तो एक साइड हो गया, वो उठा के ऊपर रखना, वो उठा के इधर रखना है इधर गमले के पास, अकेली से नहीं होता, शाम को इनके आने के बाद देखूँगी या फिर बेटे को बोल, यहाँ ये तुलसियों के बाद पास सही रहेंगे, क्यों सीधी ओस भी नहीं गिरती, फिर धूप भी नहीं तो नहीं आएगी, लेंटर के नीचे हैं यहाँ पर सही रहते हैं, तुलसियाँ भी यहाँ सही रहती हैं मेरी, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेंटर के नीचे हैं दोनों तुलसी 3, तो सही हैं अब तक तो। 12:30 हो गए, अब फ्री हुई हूँ काम से, आज तो काम ही काम चला हुआ था तो ठंड में ना बहुत टाइम लगे आज काम करते हुए, तो अब मैं अपना खाना बना के खाती हूँ, क्यों मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, काम के चक्कर में काम में ही लगी रही, पोहा बनाया था वो ठंडा हो गया, फिर मन ही नहीं करा, सोचा अभी वो काम कर लूँ, अभी वो कर लूँ फिर खाऊँगी, फिर मैंने सोचा मैं ना कहीं फिर ये खाऊँगी, तो अब फ्री होगी, अब मैं बना के खाना खाती हूँ, थोड़ी थोड़ी भी धूप निकले है देखूँगी, धूप में बैठूँगी फिर जाकर ना, नहीं बंद कर दूँगी उसने तो, हवा है वो धूप ठीक लिकट रही है, धूप लिकट जाते ना तो धूप ना हो तो ज़्यादा ही है,
मैंने सोचा मैं थोड़ी ही बार में बैठा हूँ धूप में, कई दिन हो गए लकड़े नहीं रही थी ना, टाइम मिला था मैं घंटा फुर्सत सी है, घंटा भी नहीं, आधा घंटा रह रहा है, थोड़ी मैं सेक आया हूँ कपड़े ने उल्टे पलटे कर आऊँ, कपड़े पलटन आई थी मैं तो पलट दिए जो टाइम है 3 बजे पास से तो फिर हो जाए कि हाँ फिर हो जाएगा। सही हवा तेज चल रही है, बस वह धूप तेज है ज्यादा इसलिए नहीं लग रही हवा, नहीं हवा ठंडी है तो गम्मा लग जाना, न्यू मम्मी थी गम्मा लग जाना, पर वीडियो के बनवावेगी तब मन में इब्बा जाड़ा में बनवावेगी, इब्बा तो जाड़ा है गागरी मांग के लेनी है, हाँ रखे हैं फिर पार गए ना उतरवा लिए, फिर तक करके दर्द नहीं हुई, इतनी बुरी ठंड में तो 10-15 दिन पाँच से बनाई है तरवाई है, एक वीडियो तो तुम्हें बनवा देगी उसमें मेरी दमन पार है ना उसके दमन पार के देखा गया तेरा चलना क्यों कर चल लगी माँ दस दड़ी के टोकरी उठ के लिए आते क्यों कर चल लगी दमन पार गए क्यों कर बुढ़ापे दूर कर जाइए जवानी आशक खोई रे जवानी फिर भी आइयो बुढ़ापे दूर कर जाइए बुढ़ापा देख कर रोई रे बुढ़ापा देख कर रोई और क्यों बुढ़ापा आ गया जाता है बुढ़ापे कुंडली ले ली थी मन के बेरा थल मशर भी दौड़ा हो जाएगा, अच्छा मेरा ना था सिर थोड़ा हो जाएगा जवानी में के मेरा था देई का खोखा हो जाएगा, जब जवानी आई थी मैं दौड़ा कर पहले आई थी मन के मेरा था हमारा कब्जा ढीला हो जाएगा, अच्छा जब जवानी आई थी मैं कंधका दामन ले आई थी मन के मेरा था हमारा डूंगा माड़ा हो जाएगा, माड़े पतले पतले अच्छा डूंगे पतले हो जाएंगे, जवानी में मोटे थे डूंगे बुढ़ापा में पतले हो गए, अच्छा अरे कब्जे ढीले हो जाएंगे, अच्छा जवानी में कर रहे थे कब्जे मोटे थे कब्जे जवानी में, जब जवानी आई थी मैं दौड़ा कुर्ता ले आई थी मन के मेरा था मेरा कब्जा ढीला हो जाए, अच्छा जब ये जूती ले आई थी मन के मेरा था मेरा पंजा ढीला हो जाए, अच्छा ड्राइवर ले खड़े क्यों कर है गैस गैस पर जे ढीले हो गए स्टेशन पर रेल खड़ी होगी लेकिन ड्राइवर बाहर, अच्छा सांसन है लेकर ड्राइवर, हाँ लेकर ड्राइवर बाहर है स्टेशन पर रेल खड़ी होगी, अच्छा ये गैस गैस पर जो डिले हो जाए, अच्छा ड्राइवर बाहर लेकर जे है पुरजे डिले हो जाए ड्राइवर छू मंत्र हो जाए, यो शरीर स्टेशन पर ये खड़ा हो जाए शरीर सांस लेकर जा शरीर खड़ा हो जाए स्टेशन पर रेल खड़ी होगी, अच्छा सुन लो हमारी माँ का जवानी घर बुढ़ापा का ये के सुनाया है स्टेशन पर रेल खड़ी हो जाएगी और पुर्जा ढीले हो जाएगा ड्राइवर लेकर जाओगा सांस ने ड्राइवर का है खड़ा खड़ाया रह जाओगा फिर अब नीचे चलना धूप सेक ली है माँ तो बात कर ली है घंटा सारा सेक लिया उस तो देखते रहियो लाइक कर दिया करो शेयर कर दिया करो शेयर जरूर कर दिया करो आगे से आगे होएंगे जब भी कुछ बात बनेगी तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो तो मिलते हैं कल 11 बजे आ जाता है हम लोग तब तक के लिए राम राम नमस्ते शुक्रिया और थैंक यू।